चलो चलो मेरी जान को लेजेंड का करने वाले हैं। समीर फर्स्ट ब्लड। ओ भाई तो किसान में लगा दो। फर्स्ट ब्लड। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? नीचे कमेंट में कमेंट करना मत भूलो। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं एक मैच हूँ तुम्हारे लिए लेके गिल्ड टूर्नामेंट का वीडियो कस्टम मैच 1v1 आज होने वाला है गिल्ड टूर्नामेंट का। ये हमारा आखिरी क्वालिफायर मैच इन दोनों में के बीच में होने वाला है। एबीएस गोपाल और एमआरएसके के बीच इन दोनों से जो भी जीतेगा वो एमजी ब्रिगेस के साथ सेमीफाइनल खेलेगा ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए में मिस्टर एमआर और ईशा आदित्य के बीच होने वाला है सेमीफाइनल मैच। तो ये तेरा पीछे से क्या बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? तो ये बंदा बोला कि जिधर बैठा है इधर कुछ मतलब हो रहा है फेस्टिवल वगैरह। तो चले ये चलते हैं। और एमआरएसके और बेस गोपाल दोनों तुम लोग रेडी हो चुके हो क्या? वो रेडी रेडी। और ये बंदा बोल रहा है कि हाँ हम रेडी हो चुके। तो चलो चलिए शुरू करते हैं आज का कस्टम मैच और देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए। और सेमीफाइनल के लिए इन दोनों के वेट कर रहा है एमजी ब्रिगेस जिसका नाम है लिपुन। तो चलिए चलते डायरेक्ट हम कस्टम लगा। हमारा कस्टम रेडी हो चुका है। तो देखते हैं इन दोनों के बीच का पावर में कौन पहले बाजी मारता है आज के मैच में और क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए। तो चलिए चलते इन लोगों का आईडी आप लोग को दिखाते हैं। एमआरएसके जैसे ये मेरा गिल्ड का ब्लैक स्नाइपर का मेंबर है। तो ये गिल्ड टूर्नामेंट में बार बार बोलता हूँ। तो ये गोपाल भी जो बीएस गोपाल ब्लैक स्नाइपर का मेंबर है। देखते हैं गोपाल का पावर और एमआरएसके का दम। देखते हैं आज कौन बाजी मारता है इन दोनों के बीच के काटे का टक्कर मैच होने वाला है। और सेमीफाइनल में इन दोनों का जो भी जीतेगा वेट कर रहा है एमजी ब्रिगेस। तो देखते हैं ब्रिगेस के साथ कौन लड़ना चाहता है। तो रेडी टू फाइट लिख चुके हैं। और जो नए बंदे हैं चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा नहीं तो मेरे को मिलोगे तो किससे। तो रेडी टू फाइट लिख चुके हैं हम। देखते हैं बंदे का क्या होता है। बंदे सब लोग रेडी हुए नहीं? दोनों तो रेडी हो चुके हैं। तो देखते हैं मैसेज करते हैं या नहीं। तो यस रेडी हो चुके। तो चलिए बिना कोई बकचोदी के हम लोग स्टार्ट करते हैं गेम। Ladies and gentlemen, are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready guys? तो सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो आपने कुर्सी का पेटी बांध लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या ही खाते का कांटे का टक्कर मैच इन दोनों के बीच में होगा। बीएस गोपाल और एमआरएसके के बीच में पूर्व तबाही वाला मैच होगा। तो आप लोग अपना कुर्सी का पेटी बांध लो और आराम से बैठो जो भी जा रही है। और ये वीडियो को मतलब जितना पाते हो शेयर करो। और तुम लोग मतलब सपोर्ट ही नहीं करते भाई की तो भाई का मतलब कैसे हुए मतलब तुम्हारे लिए ऐसे डेली में एक कस्टम मैच लेके आता हूँ गिल्ड टूर्नामेंट का। तो तुम लोग भी सपोर्ट वपोर्ट नहीं करते तो जल्दी से सपोर्ट करो यार। वीडियो को शेयर करो और लाइक मारो जितना पाते हो। अपने दोस्तों को भी शेयर करो और सब्सक्राइब करें नहीं किया तो जुनिया बंदे फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो नहीं तो मेरे को मिलेगा तो कैसे। तो गोपाल बॉडी बॉडी फिल चुका है यार। एसके को देखते हैं पहला राउंड किसके नाम होता है। तो जो देखते और बॉडी बॉडी फिर से पिला है गोपाल और गोपाल को भी जितने बंदे है तो सारा इंडिया का मतलब ग्लिच सुनाई दे रहा है। तो ये छोले वगैरह क्या मंगा रहा है फोन में क्या पता कुछ नहीं। तो तुम लोग देख सकते हो ये गौरीना साला कितना मतलब ये नए अपडेट के बाद ये क्या कर लिया है। मतलब जो भी ऑब्जर्व में रहता है उन लोग का साउंड ग्लिच के माध्यम से हमारे तो आ रहा है। तो उन लोग को हम स्क्रिप करते हैं अपना गेम प्ले मतलब गेम में कमेंट्री करते हैं। तो आप लोग भी वो बैकग्राउंड साउंड को स्क्रिप मारो। तो चलिए चलते देखते हैं पहला राउंड तो गोपाल के नाम हो चुका है दूसरा राउंड किसके नाम होने वाला है। तो दोनों क्या ही खतरनाक गेम प्ले दिखा रहे हैं। एक ग्लू वाले एक शर्ट चला रहे हैं। तो दोनों क्या अपने सामने बीच ऊँचो है और गोपाल इसको बड़ी बड़ी पिलाए और किधर भाग चुके और ओ माई गोपाल फिर से मार सकता था इसको लेकिन मार नहीं पाया। तो
गोपाल चांस मिस किया है और एम आर एस के क्या ही बड़ी बड़ी पिला था गोपाल ने, और एम आर एस के अपना सेहत से ही कर रहा है, मतलब मेडिकेट वेडिकेट हो रहा है तो रूल के खिलाफ मेडिकेट मतलब जो हो रहा होगा ग्लूवाल तोड़ेगा तो रूल के खिलाफ, तो इसलिए गोपाल इधर नहीं रहा। तो गोपाल के पास लॉन्ग रेंज है और शॉर्ट रेंज का गन भी है, गोपाल के फायदा है तो लॉन्ग में ही मार सकता है गोपाल और शॉर्ट में भी मार सकता है। और गोपाल को पीछे से पड़ चुका है लेकिन गोपाल फिलिंदर मार चुके हैं, मार के इधर से एकदम से घूम के जा रहा है और इधर भाई आमने सामने फिर से क्या बस हवा निकल गई, उड़ाया एकदम से और एम आर एस के को फिर से ले लिया गोपाल, और दो राउंड गोपाल के नाम हो चुका है। एम आर एस के का खाता ही नहीं खुला, हाशटॉक ऑफ स्टॉक खाता खोलो मूवमेंट नहीं हुआ है एम आर एस के लिए, तो देखते हैं खाता खोलो मूवमेंट कब हो रहा है इसके लिए, एसके के लिए देखते। और इधर दोनों एकदम रश कर रहे हैं और गोपाल के पास ड्राको एक है और एकदम से 140 का हेडशॉट मतलब रेनोवर मारा था और ये बंदे को डैमेज दे चुका है, और एम आर एस के फिर से हॉस्पिटल चल चुका है और उधर से नर्स से इंजेक्शन लेके आ रहा है, मतलब अपना सेहत सही करके आ रहा है, तो देखते हैं। और वो सही हो चुका होगा शायद शायद, तो एक मेडिकेट से इसका सेहत फुल हो चुका है और इधर से पीछे से गोपाल को डैमेज दे चुका है, और गोपाल को क्या ही रस कर रहा है एम आर एस के, जैसे कि मतलब पेट्रोल पिए लिया है एम आर एस के, जबरदस्त रस कर रहा है एम आर एस के, गोपाल को बैकफुट में डाल चुका है और गोपाल पीछे रह रह के खेल रहा है पता नहीं, और फिर से उड़ाया उड़ाया एकदम से डैमेज दे चुका है गोपाल को, और गोपाल बस 2-3 HP का है तो देखते हैं मार सकता है या नहीं। और चलो चलो मेरी जान, उसका एलिमिनेटेड बाय कैरेक्टर स्किन मतलब भगवान ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब इसका कैरेक्टर स्किल ही काम कर लिया, गोपाल को उड़ा चुका है और पहला नाम अपना कैरेक्टर के वजह से एम आर एस के नाम हो चुका है, तो देखते हैं गोपाल बोला ये चीटिंग है, तो भाई गोपाल क्या ही डैमेज खाया है और एसके इसको जल्दी रश करना चाहिए, लेकिन एसके क्या ही खतरनाक मोमेंट दिखा रहा है, और गोपाल इधर गोपाल मार के मतलब मेडिकेट ले रहा है तो रूल के खिलाफ है गोपाल तोड़ना तोड़ना, तो यार एसके भी नहीं तोड़ेगा, रूल के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा, तो गिल टूर्नामेंट है नहीं तो आगे जो भी गिल टूर्नामेंट होगा इन लोगों को मतलब उधर एंट्री ही नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं, फिर से डैमेज खा चुका है गोपाल, और गोपाल क्या ही बाल बाल बच रहा है, और गोपाल के ओ भाई फिर से मार सकता था एम आर एस के, चांस मिस कर रहा है बार बार एम आर एस के, देखते हैं एम आर एस के पास ये चांस दोबारा आता है या नहीं, तो दोनों के बीच काटे का लड़ाई हो रहा है, मतलब ऐसे कॉस्ट मैच देखने के लिए बस एक काम करना है तुम लोगों को, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो और फिर से एक कैरेक्टर स्किल ला चुका है एम आर एस के, फिर भी गोपाल इसको बॉडी बॉडी फिर चुका है और उड़ाया, फिर से गोपाल ले चुका है ये राउंड, और गोपाल के नाम 3 राउंड हो चुका है, लेकिन एक कैरेक्टर स्किल उड़ाया था एम आर एस के का, एक गलती हो गया कि वो मेडिकेट नहीं हुआ था, तो चलो चलते ये राउंड देखते हैं किसके नाम होगा। और एम आर एस के फिर से जैसे कि पेट्रोल पिया है ऐसे ही मतलब एकदम रस कर रहा है एम आर एस के, मतलब क्या बोलते हैं देखते हैं, फिर से ये रस कर रहा है गोपाल के ऊपर, देखते गोपाल को मार पता नहीं, और दोनों डैमेज हो चुके हैं, बाल बाल दोनों बचे हैं, और जो भी इस राउंड को लेगा तो देखते कौन लेता है इस राउंड को। और एम आर एस के इसको उड़ाया एकदम से उड़ाया बंदे को, और एम आर एस के क्या ही मूवमेंट स्पीड दिखा रहा है तुम लोगों को, तो इस मूवमेंट स्पीड के लिए एम आर एस के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो मेरे को मिलेगा तो कैसे। तो चलिए चलते, 2-3 हो चुका है और कम बैक कर पता है नहीं एम आर एस के, एक राउंड गोपाल के पास बढ़त है, तो देखते हैं एक राउंड का बढ़त, ज़्यादा कुछ बढ़त नहीं है कॉस्ट्यूम मैच में, तुम जैसे मेरा वीडियो में बताता रहता हूँ ऐसे ही है, तो देखते हैं ये राउंड किसके नाम होता है। और इधर ब्लॉक हो चुका है सारा ग्लोबल रोड ही ब्लॉक हो चुका है, तो आने जाने का रास्ता ही नहीं है, इधर उधर हो रहे दोनों, देखते हैं ये राउंड क्या होता है। तो आप लोग क्या लगता है ये राउंड कौन जीतेगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और क्या ही दूर से लॉन्ग रेंज का गन होता तो एम आर एस के को ले सकता था, लेकिन ये बंदे के पास क्लोज रेंज का गन है बस M1887 है, तो एसके के पास लॉन्ग रेंज का गन भी है, तो देखते हैं इस राउंड किसका नाम होता है। और दोनों आमने सामने हो चुके हैं, देखते कौन जीतता है, और डैमेज दिखाया है एम आर एस के, देखते हैं एम आर एस के इसको ले पता ही नहीं, और क्या ही गोपाल गेम प्ले दिखा रहा है, एकदम से मार रहा है एक शॉट और ग्लोबल दोनों के बीच में काटे के टक्कर में, बोला था ना ऐसे। और मैच देखने के लिए क्या करना है तुम लोगों को पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, तो नहीं तो मेरे को लगा तू कैसे। तो चलिए चलते देखते इस राउंड को कौन जीतता है, कौन अपने नाम करता है और कौन बाजी मारता है।
क्यों हिला डाला ना? और MRS के बाजी मार चुका है और क्या ही क्लोज रेंज में पिला है। गोपाल को 3-3 हो चुका है बराबर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और क्या हो चुका है इसके मतलब अपना कमबैक दिखा चुका है। मैं बोला था ना एक राउंड का बढ़त कुछ ज्यादा बढ़त नहीं। और इधर गोपाल 9-9 का डैमेज बॉडी बॉडी पिला है और इसके हेडशॉट मारने के लिए सिटिंग हेडशॉट मारने के लिए कोशिश कर रहा है और इसके डैमेज हो चुका है। तो इसके को हेल्थ करना चाहिए, तो मेडिकेट वेडिकेट लेना चाहिए, नहीं तो गोपाल का एक फटका इसके को मतलब ले चलेगा। तो देखते हैं ये राउंड किसके नाम होता है। तो दोनों बहुत लॉन्ग में इस राउंड में खेलते हैं, कोई भी क्लोज नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को पता है। तो मतलब एक एक राउंड का अहमियत उन दोनों को पता है। तो ओ भाई ये क्या है ग्लूअल के आर पार, क्या मतलब ग्लिच हो गया गोपाल का, मतलब इसके का बैड लॉक है। तो ग्लूअल के आर पार हो चुका है गोपाल। तो इन लोगों को पता है एक राउंड हारेगा तो मतलब दबाव कितना आएगा। ये क्वालिफायर का मैच है, जो जीतेगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई मतलब एंट्री मारेगा और सेमीफाइनल में वेट करके बैठा है MG भेगर इन दोनों के बीच में। जो भी जीतेगा MG भेगर के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। तो देखते हैं कौन जीतता है आज का मैच। तो देखते और इधर बड़ी बड़ी पिला है गोपाल, उसको देखते है। गोपाल 48 का डैमेज दे चुका है। तो देखते है और बंदा उधर से, ओ भाई बंदा मेडिकेट मारने का चाहिए था, लेकिन बंदा ओवर कॉन्फिडेंस से ये मैच राउंड गोपाल को दे चुका है। तो देखते और फिर से क्लोज आ चुका है MRS के, जिसका नाम है चंदू, अपना चंदू है, बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। तो चंदू के लिए एक लाइक बना, वीडियो को मारो। ओ भाई चंदू उड़ा, चंदू को फिर से लगता है क्या तुम्हें या गोपाल ने क्या चंदू क्या गुंडा बनेगा, इतना तेज रश करने का क्या ही जरूरत है। तो गोपाल क्या ही खेल रहा है, गेम प्ले दिखा रहा है, 6 राउंड ले चुका है चंदू को, 3 राउंड है। तो 3 राउंड एकदम पीछे है चंदू, तो चंदू मतलब यहां से उभरना बहुत मुश्किल बात है। तो देखते हैं चंदू कमबैक कर पाता है नहीं। तो चंदू एक जबरदस्त रशर गेम प्ले, मतलब वो रश करेगा ओनली। तो गोपाल देख देख के खेल रहा है, तो गोपाल भी बहुत डेंजरस खेलता है। तो जंगल के बीच में काटे के टक्कर में ऐसे ही नहीं बोला था। तो फिर से डैमेज दे चुका है चंदू और गोपाल हीलिंग हो रहा है और उधर से सेमीफाइनल खेलेंगे आदित्य और मिस्टर फ्लेम। और इधर से जाएगा कौन देखते हैं, इन दोनों के बीच में तो काटा की टक्कर हो रहा है, लेकिन चंदू 3 राउंड पिछड़ चुका है और 1 राउंड जीत जाएगा तो गोपाल क्वालिफाई हो जाएगा। और गोपाल 10 में बचा गया बाल बाल और फुल में टिकट ले रहा है। तो देखते हैं, और ग्लूअल तोड़ना मतलब रूल के खिलाफ है, तो चंदू रूल के खिलाफ नहीं जा रहा है क्योंकि उसको पता है रूल के खिलाफ जाएगा तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में उसको एंट्री नहीं मिलेगा टूर्नामेंट के अंदर। तो देखते हैं, और गोपाल का ये ग्लूअल क्या ही चमक रहा है, मतलब एकदम खतरनाक लग रहा है। देखते मैच पॉइंट ले पाता है नहीं गोपाल, तो चंदू किधर है और इसका ग्लूअल कहाँ जाके लगा है देख सकते हो तुम लोग। तो चंदू क्लोज आ चुका है फिर से और चंदू का देखते चंदू को, ओ भाई फिर से बड़ी बड़ी पिला है गोपाल ने। और देखते चंदू इधर कैरेक्टर स्किल ऑन करके जा रहा है। तो देखते गोपाल ये राउंड लेके मैच जीत सकता है या चंदू जीत सकता है। और उड़ाया एकदम से मैच जीत चुका है और क्या ही इमोट के साथ ये मैच जीत चुका है गोपाल ने। और गोपाल क्वालिफाई हो चुका है सेमीफाइनल के लिए और सेमीफाइनल में इसका वर्ट कर चुका है MG भिगर्स, जिसने सीतू को हरा के सेमीफाइनल क्वालिफाई किया था। वीडियो नहीं देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लग चुका है। तो सेमीफाइनल कौन कौन खेलेगा आप लोग देख सकते हो, जैसे कि देख सकते हो आप लोग सेमीफाइनल कौन कौन खेल लेंगे, BS आदित्य MR फ्लेम और ग्रुप बी में BS गोपाल MG भिगर्स। तो इन लोग के साथ सेमीफाइनल होगा और जो जीतेगा ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और ए में एक बंदा और बी में एक बंदा ग्रैंड फाइनल खेलेंगे। तो सुपर संडे में ग्रैंड फाइनल हो जाएगा इन दोनों को बुलाते हैं और दोनों बहुत खतरनाक गेम प्ले दिखाया गोपाल को भी को कॉन्ग्रेचुलेशन सेमीफाइनल के लिए। और MRS के कोई बात नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट में अपना गेम प्ले दिखाना तगड़ा वाला। तो आज के लिए इतना ही, तो जो नए बंदे फिर से बोल रहा हूँ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, नहीं तो मेरे को मिलोगे तुक्के से। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो। ये कस्टम वाला 1v1 वाला वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गोपाल के जीत के खुशी में ये डांस करते हैं। तो चले चलते हैं, आज के लिए इतना ही,
टेक केयर, सी यू, बाय बाय। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।